press the bell icon for all the updates. हाय, मैं हूँ सना खान और आप मुझे देख रहे हो टेली मसाला पे। मेरा एक्चुअली सबसे फेवरेट सेगमेंट है बिकॉज इट्स अबाउट व्हाट्स इन माय बैग। एंड आई थिंक हर किसी को जानना होता है कि स्पेशली एक्टर्स के बैग में क्या होता है, जबकि बहुत लोगों के बैग में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एंड ऑब्वियसली लोगों को लगता है एक्टर्स के पास बहुत अच्छा अच्छा मेकअप होता होगा उनके बैग में, एंड दैट्स द रीज़न दे ऑलवेज वांट टू नो व्हाट्स इनसाइड। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टूर दूंगी मेरे हैंड बैग का, एंड बताऊंगी कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ इररिस्पेक्टिव वेयर आई गो। और तो मैं आपको शुरू करती हूँ बैग से। सबसे पहले ये है मेरा सुपर 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 फेवरेट बैग DNG का, जो है डेनिम बैग। एंड इसकी एक बहुत स्वीट स्टोरी है। ये मैंने बैग लिया था 2009 में और मैं दुबई गई थी जब मैं साउथ इंडियन फिल्म्स करती थी। मैं परफॉर्म करने वाली थी स्टेज पे केरला अवार्ड्स के लिए और ये बैग मैंने देखा था और मुझे अभी भी पता है उस वक्त मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव था ये बैग लेना। और मुझे ऐसा लगता था, मैं दो बार मॉल जाके मैं ले नहीं पाई थी इस बैग को और मुझे लगता था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट इवेंचुअली लास्ट डे मैंने कहा ये मुझे लेके आना और तब से अब तक की मेरे पास है और वही कंडीशन में। आई लव माई बैग्स। मैं अपनी सारी चीज़ों से एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उन्हें बहुत संभाल के रखती हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त की याद दिलाती है जब आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सो आई थिंक आई रियली दैट्स द रीज़न आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई थिंग्स। सेकेंडली, इस बैग का सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको बताती हूँ, एक तो ये डेनिम है तो आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो और ये थोड़ा टोन स्टाइल है तो अगर ये थोड़ा गंदा भी हो जाता है, थोड़ा और फट जाता है तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि आप देख रहे हो ये ऑलरेडी ऐसे ही स्टाइल में है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। इसको आप वॉश कर सकते हो, सो इट्स वेरी यूजेबल। द बेस्ट थिंग इज़ इसकी तीन चेन है जैसे आप देख रहे हो, 1, 2 and 3। तो इसमें इतना सारा सामान आता है और स्पेशली व्हेन आई ट्रैवल, अगर मैं रोड ट्रिप कर रही हूँ या ऑफ कोर्स इंटरनेशनली तो बड़े बैग्स बेस्ट होते हैं, बट अगर आप रोड ट्रिप भी कर रहे हो तो आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सेगमेंट में रख सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी स्टार्ट विथ व्हाट आई हैव इन माई बैग। सो आई एम गोना स्टार्ट विथ व्हाट्स इन माई बैग। मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ, मैं पहले सबसे लास्ट सेगमेंट है मैं ये अब खोलना चाहती हूँ, ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं आप मैं कहीं भी कुछ भी रखती हूँ। वेल, मेरे लास्ट सेगमेंट में है एक सनस्क्रीन। ये है मेरा सनबम सनस्क्रीन जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ये मैंने दुबई से लाया है और मैं जब कोई दुबई जाता है मैं उनके हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे लिए सनस्क्रीन लेके आए बिकॉज आई टोटली लव इट। एक्चुअली जब स्पेशली जब समर्स होते हैं और आपको सनस्क्रीन लगाना इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट सनस्क्रीन इतने ग्रीसी हो जाते हैं, इतने स्टिकी हो जाते हैं और जब आप बाहर धूप में जाते हो आपको इतना स्वेट आउट होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। सो आई थिंक यहाँ पे भी बहुत सारे स्प्रे वाले सनस्क्रीन हैं बट मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जैसे आप इसको स्प्रे करते हो ये ड्राई हो जाता है तो इट गिव्स यू अ वेरी नाइस ग्लॉसी फिनिश। ऐसा लगता है जैसे अगर आप पैर में लगाओ और हाथ में लगाओ तो ऐसा लगता है कोई ब्रॉन्जर है और ये आपके कपड़ों में बिल्कुल स्टिक नहीं करता, जैसे कि आप देखोगे इट्स अ नाइस, वन सेकेंड आई एम गोना पुट इट ऑन, इट्स अ नाइस। एंड जब ये ड्राई हो जाएगा तो इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। एंड मैं इसे यूज़ करती हूँ अपना मेकअप सील करने के लिए भी बहुत बार, स्पेशली जब मैं अपने शोल्डर्स करती हूँ और मुझे बाल खुले रखने होते हैं। आई थिंक आई डू माई ब्रॉन्जिंग एंड मैं फाइनल कोट इसका देती हूँ। मैंने अपने स्नैपचैट में भी लेटली लोगों को बताया था एंड आई थिंक पीपल रियली लव्ड इट एंड लॉट ऑफ पीपल वॉन्टेड टू नो फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस सनस्क्रीन। सो इट्स फ्रॉम दुबई, सो इन केस आप जा रहे हो तो वहाँ से आप ये ले सकते हो, इट्स अमेजिंग। सेकेंड इज़ माई च्युइंगम अगेन। ये मेरा सबसे फेवरेट च्युइंगम है बिकॉज आप इसको 4 घंटा भी चबाओ तो ये कड़क नहीं होता है एंड इसके अंदर स्वीटनेस रहती है। सो आई थिंक एक च्युइंगम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसकी स्वीटनेस लंबे टाइम तक रहे और आप उसे ईजिली चू करो। एंड ऑब्वियसली आई थिंक अ गुड ब्रेथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाहर जाते हो कुछ खाना खाते हो, यू नेवर नो व्हाट्स देयर, सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी हाइजीनिक, सो आई ऑलवेज यूज दिस। ये है मेरा लास्ट सेगमेंट। ये है मेरा सेंटर का, इसमें डेफिनेटली है वॉलेट। वॉलेट के बिना तो आप कहीं नहीं जा सकते हो बिकॉज इन केस आप कुछ भूल जाओ तो यू कैन ऑलवेज बाय, सो वॉलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑल माय कार्ड्स एंड माय आइडेंटिटी कार्ड्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस एंड माय प्रिविलेज कार्ड्स जिससे मुझे पॉइंट्स मिलते हैं एयरपोर्ट पे, एंड ऑफ कोर्स आई हैव यू कैश। तो ये मेरा एक वॉलेट है जिसकी वो जो बहुत बड़ा है और बहुत सारे अंदर एरियाज़ है बहुत सारे कार्ड्स रखने के लिए, कैश एंड कॉइन्स रखने के लिए जो मुझे अच्छा लगता है कलेक्ट करना, तो वो इसके अंदर होता है।
एक है ये नॉर्मल लिपस्टिक जो रेगुलर लिपस्टिक होती है मुझे, मैं हमेशा जब बाहर जाती हूँ मैं परफ्यूम्स के बेस का और लिपस्टिक्स के ऐसे मिनिएचर्स लाती हूँ, बिकॉज एट टाइम्स आप पार्टी में जाते हो आपके पास छोटा सा क्लच होता है और इतनी बड़ी बड़ी लिपस्टिक्स आपके क्लच में जा नहीं पाती है. सो आई गेट दिस न्यूड वंस बिकॉज रेगुलरली आप इतना ब्राइट कलर लगा के कहीं जाओगे नहीं. सो आई गेट दिस, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड हुडा ब्यूटी. मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ हुडा ब्यूटी की एंड आई एब्सोल्युटली लव हर. मतलब for me she's my inspiration in terms of makeup and this is wifey. बहुत अच्छा कलर है ये और आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हो. इट्स लॉन्ग वेयर, इट्स ड्राई लिपस्टिक एंड इट्स अ मैट एंड ड्राई बोथ, सेमी ड्राई है. इतना ड्राई नहीं है कि लिप्स बहुत ड्राई हो जाए. तो मुझे ऐसे ड्राई लिपस्टिक्स अच्छे लगते हैं जो मैं विंटर में भी यूज़ करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली टुडेज प्रायोरिटी इज़ लॉन्ग वेयर. आप नहीं चाहते हो कि आप हमेशा हर 5 मिनट में लिपस्टिक लगाओ. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न आई लाइक हुडा ब्यूटी, बिकॉज इट्स लॉन्ग वेयर, इट हैज़ मैट फिनिश एट द सेम टाइम, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस है जो आपके लिप्स को बहुत ड्राई होने नहीं देता. तो इट्स वेरी गुड फॉर विंटर्स ऑल्सो. वेल, ये है मेरा फर्स्ट सेगमेंट. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. एक है मेरा फिक्सर. आई थिंक दिस आई लॉट ऑफ पीपल आई थिंक यूज ऑल्सो अदरवाइज. मैं इसे अपना मेकअप करने के बाद फिक्स करने के लिए यूज़ करती हूँ एंड मोर देन फिक्सर इट इज़ मॉइस्चराइज़र. इसमें बहुत सारे टाइप्स के आते हैं. एक फिक्सर आता है जो आपके मेकअप को फिक्स करता है, एक जो आपको हाइड्रेशन देता है. सो दिस इज़ फॉर हाइड्रेशन. सो मुझे अगर ऐसा लगता है मेरी स्किन ड्राई है, कभी मैं स्किन ट्रीटमेंट्स करवाती हूँ डॉक्टर से तो स्किन ड्राई हो जाती है. सो आई यूज़ दिस बिफोर माई मेकअप एंड आफ्टर माई मेकअप ऑल्सो. एंड इन केस बहुत गर्मी है, समर सीज़न है, विंटर में तो आप फर्स्ट एंड लास्ट दोनों यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू फील इट्स हॉट एंड इट्स समर सो आप इसे फर्स्ट यूज़ कीजिए, डू योर मेकअप एंड देन यूज़ अनदर फिक्सर टू फिक्स योर मेकअप. सो दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट. ये मेरी कुछ 50वीं बॉटल होगी टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो आई टोटली लव दिस फिक्सर फ्रॉम मैक. देन ये है मेरे दो सबसे फेवरेट लिप बाम. ये एक कॉम्बिनेशन में मैं यूज़ करती हूँ. आई बीन यूजिंग दिस सिंस ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स एंड द बेस्ट थिंग इज आपको हर वक्त लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता है. सो आई यूज़ दिस बाम. ये डियोर से है एंड दिस देखिए लिटरली दिस इज़ ओवर. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस बाम. ये आपके लिप्स को हाइड्रेट करते हैं, प्लम्प सेट एंड एट द सेम टाइम आपको टिंट देता है. सो योर लिप्स लुक नाइस एंड पिंक एंड वेरी नेचुरल पिंक. एंड उसके बाद आप इसके ऊपर एक कोलाजन जेल है जो इनका आप लगा सकते हो, विच अगेन गिव्स यू अ वेरी सॉफ्ट लिप्स. ये मुझे फ्लाइट के अंदर बहुत काम आता है. एक्चुअली मैं ये और एक एलिजाबेथ आर्डन का 8 आर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज ट्रैवलिंग में आपकी स्किन की बैंड बच जाती है. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर माई टू फेवरेट प्रोडक्ट्स इन फ्लाइट. Then I always have a blender with me because it's very easy. Like if I'm feeling sweaty, I can always blend it like that. Because brushes, जब आप करते हो एंड स्पेशली वेन यू सेट योर मेकअप, इट्स जब आप ब्रश करते हो तो ऑब्वियसली ब्रश के स्ट्रोक्स आपके बेस में दिखाई देते हैं एंड यू डोंट हैव प्रॉपर मेकअप फिनिश. सो वट आई डू इज़ आई ऑलवेज कैरी दिस बिकॉज इफ आई फील लिटल स्वेटी आई कैन ऑलवेज डैब इट एंड वेन आई डैब इट उसके अंदर से स्वेट इसके अंदर आ जाता है एंड डजंट स्पॉइल माई मेकअप. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी विच इज़ माई ईयर प्लग्स. और मुझे ऐसे प्लग इन होने वाले प्लग्स बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मेरा जो ईयर का डिज़ाइन है वो नॉर्मल प्लग्स को लेता नहीं है, बहुत जल्दी गिर जाते हैं. सो आई यूज़ दिस एंड इट्स अमेजिंग आई फील एंड इट्स वेरी ईजी बिकॉज आपको बहुत टाइम बात करना है. आई यूज़ अ वेरी बिग फोन तो आई कॉन्ट होल्ड इट ऑल टाइम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टेक दिस सो इट्स मोर कम्फर्टेबल एंड आई कैन टॉक लॉन्गो ऑल्सो. This is my most favorite perfume. It's from Victor Rolf and I absolutely adore this perfume. It's very nice. जबकि मैं बहुत edgy, woody kind of perfumes मुझे ज़्यादा पसंद है, but this is little floral, this little soft, but I really love it. The moment I saw it, I was like, I need to have it and it's very nice for summer, especially for your day wear. This is not something जो मैं रात को पार्टी में लगाऊंगी because I feel it's little soft for me. I have different perfumes for my party wear, but this is something that I would wear for my day wear. And last but not the least, of course you need a compact. You need a compact of your skin color. So Makeup Forever Pro Finish is absolutely favorite product of mine. And I've been again, this is like my third piece of this color. The shade is 120 in case anybody
who is my color can always use this. It gives you a very natural finish and मैं इसे जैसे आपको बताया था इस blender से भी लगाती हूँ but you can also use it with brush. It's amazing and it gives you very nice effect. It also has उनका खुद का sponge if you want to use that. I sometimes use this but majorly I keep a small tiny brush with me and I just dab it on my face and I think it gives you a very natural effect. आपके face को cakey नहीं करता है makeup forever, so that's the reason it's my absolute favorite and 120 is like my skin tone, so I just love this and the color is 120. I think that's all I have in my bag. Of course I have my phone and my car keys and everything which is in my car and jo bhi extra luggage mujhe leke jana hota hai, which is my slippers and you know other stuff, my jackets, my shades, I think all that stuff I keep it in my car. I don't put everything in my bag because it spoils the bag also. So there's another handbag which I carry when I go out. To main is tarike se apne travel pe jaati hu bahut sara saman leke ghar se. वेल ये मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट था जैसे कि मैंने पहले ही कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मेरी चीज़ें शेयर करके जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आप हर किसी का एक क्वेश्चन होता है मुझसे कि मैं रेगुलरली क्या यूज़ करती हूँ एंड स्किन केयर एंड एवरीथिंग. मैं नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू शो यू सम स्किन केयर विच आई डू एवरी टाइम एंड ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. सो इनकेस आप लोगों को ये पसंद आता है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस सेगमेंट विद मी.